झारखंड राज्य के लिए और शिक्षा विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक था। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ा सहयोग रहा और जो हमारे शिक्षक संघ के सभी नेतृत्व जो कर रहे हैं सभी लोग का भी सहयोग रहा जो और उनके साथ आए हैं पारा शिक्षक लोग सबको सहयोग रहा और लगभग सफलतापूर्ण मीटिंग सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में यही तय हुआ कि बिहार का जो पारा शिक्षक का जो नियमावली बना है उसी के तर्ज पर हम लोग आगे इसका निर्णय लेंगे, इसका सभी का सहमति बना। दूसरी बात, तत्काल हम समय नहीं देते हुए सोमवार का छुट्टी है, मंगलवार को हम लोग अपने अधिकारी का कुछ वेतन मान के लिए हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे जो तब तक नियमावली बनते रहेगा तब तक हमारा जो पार्टी दल सफर कर रहे हैं इसके लिए हम लोग मंगल को बैठेंगे और फिर पुनः 18 तारीख को संघ के नेताओं के साथ बैठकर पूर्ण निर्णय लेके इस समस्या को समाधान करके खत्म कर देंगे। तो क्या निर्णय हुआ, फैसला क्या हुआ? निर्णय आ गया, बोल दिए क्या कि बिहार के तर्ज पर एक अति बनेगा, नियमावली बनेगा, ये तय हो गया। दूसरी बात है, इसका कुछ वेतन मान की बात आया उसके बाद आया कि हम लोग का किसी का ठीक नहीं है तो उसका हम लोग आपका बढ़ोतरी के लिए बैठक बढ़ोतरी नहीं इस बात के लिए बैठक करेंगे हम लोग मंगलवार को विभाग की ओर से और विभाग को बैठक करने के बाद पुनः 18 तारीख के संघ के नेताओं के साथ बैठेंगे और फाइनल कर देंगे। ये मामला अब नहीं रहेगा, कोई भी आएगा जाएगा ऐसे रहेगा जैसे रहेगा, लेकिन हमारे पारा टीचर लोग रहेंगे, स्कूल रहेगा, शिक्षा विभाग रहेगा, हम लोग 18 तारीख को फाइनल करेंगे। तो बिहार की नियमावली में क्या क्या सब कुछ बताया होंगे, चर्चा हुई होगी? हम लोग पूरा गजट कुछ है मेरे पास लेकिन पूरा गजट नहीं है, हमारा बिहार का महाधिवक्ता का क्या रहा है वो नहीं था। इसमें है कि आकलन परीक्षा 3 बार देना, पास मार्किंग जो बिहार किया है हम यहाँ भी करेंगे, इस पर सहमति बना है और 3 बार के बाद जो जिस तरह बिहार किया है उसी तरह हम लोग करें। जैसे प्रत्येक बार होता क्या था, वो आधा छत्तीसगढ़ चल गया आधा मध्य प्रदेश चल गया, वो नहीं, इस बार एक ही राज्य का तय हुआ कि बिहार का जो नियमावली बना है उसी के तर्ज पर नियमावली बना। इसका मतलब ये हुआ कि आकलन परीक्षा के बाद पारा शिक्षकों को नियोजन करेंगे, वेतन मान देंगे, जो मतलब नहीं निकालिए वो नियमावली में है सर, जो नियमावली में है हाँ वही होगा। हाँ, तो यह मानने में कोई बुराई नहीं ना सर कि आकलन परीक्षा के बाद वेतन मान 60 साल का नियोजन, वो तो 60 साल के हम करी वही गया वो हो गया, ये 60 साल में कहें कोई किंतु परंतु नहीं है जी। 60 साल हमारे जो टीचर हैं हम लोग भी नियम बना रहते हैं कि हम लोग 1-5 और 6-8 जो नियम बनेगा उसमें जो परीक्षा देगा वो उसको वेतन मान दिया जाएगा, जो फेल कर जाएगा वो रहेंगे पढ़ाई पर जी, लेकिन वेतन मान पर जो चल रहा है मानदेय जो चल रहा है उसी तरह का बरकरार रहेगा, हटाएंगे नहीं किसी को, नहीं हटाएंगे।